रेप मर्डर का विरोध, कोलकाता का क्रोध। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बंगाल में किस तरीके से इस वक्त आग में झुलस रहा है। कल की आपने तस्वीरें देखी हैं जब छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें मारी गई, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भांजी गई। कल की तस्वीरें आपने देखी थी। अब आज की एक और तस्वीर सामने आई है जिस दौरान सड़कों में जमकर बवाल हुआ। दरअसल नवन्ना प्रोटेस्ट में छात्रों ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद से सरकार संदेह के घेरे में है। अब आपको बारी बारी से ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ममता सरकार क्यों संदेह के घेरे में है। दरअसल हाल ही में पॉलीग्राफ टेस्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पहले तो संजय रॉय बार बार अपने बयान बदल रहा था और अब पॉलीग्राफ टेस्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि संजय रॉय ने ही ट्रेनी डॉक्टर की, पहले तो उसके साथ उसने रेप किया और उसके बाद उसने उसके निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने इस बात को कबूला है। पहले वो अपने किसी दोस्त के यहाँ था, उसने शराब पी और वहां से शराब पीने के बाद वो कुछ रेड लाइट एरिया में भी गया हुआ था और वहां से लौटने के बाद वो बहुत ज्यादा, चूंकि पोर्न वीडियोस देखने का आदि था, जब वो हॉस्पिटल आजकल मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचा उस दौरान उसने ट्रेनी डॉक्टर जो कि पीड़िता है जिसके साथ उसने दुष्कर्म की कोशिश की और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन चिल्लाने के दौरान वो काफी डर गया लेकिन फिर भी उसने छोड़ा नहीं और उसके साथ उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और जब उसने देखा कि ये अभी भी बहुत तेज से चिल्ला रही है, वो फंस ना जाए इस डर से उसने उस पीड़िता का लगातार गला दबाया और गले को तब तक दबा के रखा जब तक उसकी जान ना निकल जाए और मौके से छोड़कर वो उसको वहां से भाग गया और उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के यहां पहुंचा जो कि पुलिस का अधिकारी था। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए कि वो जिस दोस्त के पास पहुंचा था वो पुलिस अफसर कोलकाता का बताया जा रहा है। आश्चर्य और चौंकाने वाली बात यही है कि जो संजय रॉय है वो पुलिस अधिकारियों का दोस्त था, क्योंकि जिस बाइक का इस्तेमाल संजय रॉय कर रहा था वो एक पुलिस अफसर की बाइक बताई जा रही है। कोलकाता में पुलिस अफसर की बाइक का इस्तेमाल एक हत्या रेप का आरोपी कर रहा है। जी हाँ, और इसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल संजय रॉय की जिस तरीके से लगातार जांच हो रही है उसके बाद से थोड़ा सा संदेह यह भी है कि क्या ममता सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने वाकई में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है और संजय रॉय को फंसाया जा रहा है, क्योंकि संजय रॉय पुलिस अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमने वाला इंसान है। वो हॉस्पिटल में क्यों गया था, उसका क्या काम था, हॉस्पिटल में जाने से पहले वो रेड एरिया में भी गया हुआ था और उसके बाद वो अचानक से ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर देता है। और जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं ट्रेनी डॉक्टर की, उसके हिसाब से साफ तौर पर यह पता चला है कि उनके अंदर जो सीमन पाया गया वो एक व्यक्ति का नहीं, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये गैंगरेप जैसी घटना थी जो कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई थी। बताने में भी कई बार बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरीके का अपराध हुआ है वो कहीं भी ना तो देखा जा सकता है ना तो सुना जा सकता है। लेकिन संजय रॉय, ये दो बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, आप समझिएगा इसको, कि पहले तो संजय रॉय मना कर रहा था कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं पॉलीग्राफ टेस्ट में, और दूसरी बार फिर से जब उसे पूछताछ हुई तो वह अचानक से कहने लगता है कि उसने ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है। पहले उसने रेप किया, उसके बाद उसने मर्डर कर दिया डर के कारण कि किसी को पता ना चल जाए, और अचानक से वो सारे जुर्म कबूल कर लेता है। और इसके पहले वो अदालत में भी अपने जो बयान है वो बदल रहा था, पुलिस अधिकारियों के पास वो अपने बयान बदल रहा था, यहां तक कि जिस जेल में उसको रखा गया था वहां पर जिन गार्ड से वो बात कर रहा था उनसे भी वो यही कह रहा था कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। अब अचानक से जब इस बात का खुलासा हुआ है कि संजय रॉय जिस बाइक का इस्तेमाल कर रहा था वो एक पुलिस अधिकारी की थी, इससे यह समझ में आ रहा है कि संजय रॉय को शायद फंसाया जा रहा है, क्योंकि ममता सरकार का फेल्यूअर इस पूरे मामले को लेकर, जब से ये घटना हुई है तुरंत इस पर एक्शन नहीं लिया गया। ममता सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यहां पर, पुलिस अधिकारी क्यों तुरंत इस पर संज्ञान नहीं लिए, सबसे बड़ा सवाल यही था। और जब भारी प्रोटेस्ट हुआ, भारी विरोध हुआ, उसके बाद जाकर पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, क्योंकि मीडिया में सारी बात आ चुकी थी। अब आप ये देखिए कि दो पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए गए।
संजय रॉय जो कि पहले कह रहा था मैं निर्दोष हूं और बाद में उसने कह दिया कि हाँ मैंने ही ये सारे जुर्म किए हैं, कबूल कर लिया उसने अपना जुर्म। और उसके बाद अचानक से एक बाइक सामने आती है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था, वो एक पुलिस अधिकारी की बाइक होती है। दूसरी तरफ ममता सरकार किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही थी। भले ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, उन्होंने विरोध किया, लेकिन किसका विरोध किया? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, अरे आप तुरंत कार्रवाई करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत लेट लतीफी कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर जब विरोध किया जा रहा था, यहां पर जब छात्रों ने विरोध किया, नवन्ना प्रोटेस्ट के बीच में छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने भारत बंद का ऐलान किया, ट्रेनें रोकी गई, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि जिस तरीके से छात्रों के साथ मारपीट हुई है, बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया। और इस बंगाल बंद के दौरान जिस तरीके से नवन्ना प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के साथ मारपीट हुई है, इस मारपीट में कहीं ना कहीं ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो चुका है। अब बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया, लेकिन ममता सरकार का कहना था, ममता बनर्जी का कहना था कि कोई भी छुट्टी में नहीं रहेगा, सभी को अपने काम पर जाना पड़ेगा, बंगाल बंद नहीं है, और अगर कोई दफ्तर नहीं पहुंचा तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। और डर के कारण लोग निकले घरों से बाहर, डर कर निकले, हेलमेट लगाकर निकल रहे। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बस चालक सर में हेलमेट लगाकर जा रहा है, अपने सिर को कवर किया हुआ है कि उसको कहीं से भी कोई चोट ना पहुंच जाए। लोग एहतियात बरतते हुए घरों से बाहर निकले, लेकिन इस दौरान काफी हंगामे जैसी स्थिति बनती हुई नजर आई है। ट्रेन को रोक दिया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोक दिया, और ट्रेन को रोके जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तमाम तस्वीरें बार बार अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर दुकानों को बंद करवाया गया। हालांकि कई लोगों ने समर्थन भी किया है, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम रेप और हत्या की गई थी उसके बाद से लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। ये तमाम पॉइंट्स जो आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने शाम 6 बजे तक के लिए बंगाल बंद का ऐलान किया है। और जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई है कल भी, और जो तस्वीरें आपको हम आज भी दिखा रहे हैं प्रोटेस्ट की, ये प्रोटेस्ट शाम 6 बजे तक रहने वाला है। ममता सरकार का फेलियर यहां पर नजर आया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि सभी लोगों को अपने दफ्तर जाना है, कुछ भी बंद नहीं रहेगा। लेकिन ममता सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर कोई बंद का आह्वान हुआ है, इस दौरान कोई बाहर निकलेगा तो लोगों की जान जा सकती है, लोगों के साथ मारपीट होगी, उपद्रव होगा, आगजनी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। और वैसे भी आपने जिस तरीके के कल का प्रोटेस्ट देखा, उसके बाद तो साफ तौर पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों के अंदर भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है, और इस गुस्से के बीच में लोगों के ऊपर किस तरीके से हमले हो सकते हैं, लोग भगदड़ हो सकती है, अपने आप को बचाने के लिए भाग सकते हैं। यहां तक कि जो स्कूल कॉलेजेस है वो भी बंद करने के लिए राजी नहीं हुआ, स्कूल कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान, ऑफिसेज, सब कुछ खुले रहने के लिए बात कर दी ममता सरकार ने। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी लोग अपने दफ्तर जाएंगे वरना उनको नोटिस जारी किया जाएगा। लोग डर के कारण निकले, लेकिन जिस तरीके का असर देखने को मिला उसके बाद लोग वापस भी लौट गए। यानी कि बीजेपी के बंद के आह्वान पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने काउंटर करने की कोशिश की कि बंद नहीं होगा, सब कुछ खुला रहेगा, बिल्कुल फेल साबित हुई ममता बनर्जी। क्योंकि बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में बीजेपी ने बंद का आह्वान किया, ट्रेनें रोक दी गई, दफ्तरों में ताले लगा दिए गए, दुकानें बंद करवा दी गई, और अब ममता सरकार का बहुत बड़ा फेलियर यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था उनको की जानी चाहिए थी उन्होंने खुद ही नहीं की, जिस तरीके से उनको खुद एक्शन लिया जाना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। एक ट्रेनी डॉक्टर जो अपना जीवन संवारने के लिए, अपने सपने देखने के लिए आगे बढ़ रही थी, घर से बाहर निकल रही थी, और उसके बाद आप देखिए कि न जाने कितने लोगों ने विरोध किया। अब बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि क्या ममता सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो वाकई में इस जघन्य अपराध में शामिल थे। यानी कि जिस तरीके से संजय रॉय के बयान बदले बार बार, पहले खुद को बेकसूर कहना, फिर खुद सारा जुर्म अपने सर पर ले लेना, सारे आरोपों पर हां कर देना, इसके लिए कहीं ना कहीं अब कई सारे सवाल हैं। ममता सरकार जांच नहीं कर रही थी ढंग से, पुलिस प्रशासन उनका, और वो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, आश्चर्य की बात यही है कि जब आपकी पुलिस, आपका प्रशासनिक अमला,
आप जांच करवाइए तुरंत इस मामले की। लेकिन नहीं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं क्लिनिक डॉक्टर के लिए कि उनके साथ गलत हुआ है, आपके ही इलाके में गलत हुआ है, आपका ही देश है, आपका ही राज्य है, आपका ही पूरा इलाका है। सालों से, अरे ममता सरकार को तो चाहिए था कि जिस तरीके से अपराध हुआ था उसमें एक ऐसी नजीर पेश कर देती आरोपी को, सजा देके आरोपियों को कटघरे में खड़ा करके, चाहे वो फिर कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना होते। लेकिन नहीं, खुद महिला होने के नाते उनको ये करना चाहिए था कि नजीर बन जाता पूरे देश के लिए। लेकिन नहीं, अब जब पूरा कोलकाता, बंगाल, आप देखिए आसपास के इलाके भी इसमें शामिल हैं, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बंद का आह्वान किया गया है शाम 6 बजे तक, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं और ये दोनों कार्यकर्ताओं की भिड़ंत में नुकसान आम लोगों को भी हो रहा है। बंद का आह्वान किया गया, लोग जान बचाकर भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, यानी कि बंद पूरी तरीके से सफल नजर आ रहा है और ममता सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर यहां पर देखने को मिल रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।